नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष जब शुरू होता है तो हमें याद आती है गो माता को रोटी देनी है, हमें याद आता है कि डॉग्स जो होते हैं उन्हें हमें जल देना चाहिए, हमें ये भी याद आता है कि कौए को भी खाना दिया जाता है, क्रो यानी कौआ। आखिर क्या संबंध है, कौए का क्या संबंध है पितृपक्ष के साथ या फिर पूर्वजों पितरों के साथ? कहा जाता है कौवे को कि ये पितृ दूत होते हैं, यानी पितरों के आने का संकेत माध्यम जो होता है वो कौवे के माध्यम से आप जान सकते हैं। कौओं को खाना इसलिए दिया जाता है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कहा यह भी जाता है कि जो पितरों के लिए आप भोजन बनाते हैं, अगर पक्षी उस भोजन को चख भी लें तो पितरों की आत्मा जो है वो तृप्त होती है। और जब मुंडेर पर, आपके घर के मुंडेर पर कौए कहते हैं तो हमें एक सूचक कहते हैं ना कि आपके घर में मेहमान आने का सूचक, गेस्ट आने का सूचक। ये वही समय होता है जब मुंडेर के ऊपर कौआ अगर आपके छत के किसी भी कोने में भी अगर एक सेकंड क्षण दिख जाता है तो आप सोचते हैं हमारे पूर्वज हमारे पितर आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं कि कौओं को उड़ा देते हैं, फटाक से उड़ाते हैं, लेकिन जब पितृपक्ष होता है तब आप ऐसा चीज नहीं करते हैं। तब क्यों नहीं करते हैं? हमेशा आप पक्षियों को उड़ा देते हैं, लेकिन जब पितृपक्ष का दौरान होता है, जब चाहे आप डर से कहिए या फिर आदर से कहिए, करते तो हैं आप, डरते तो हैं आप, लेकिन फिर हमेशा नहीं, बेजुबान पक्षियों को वैसे भी जल और अन्न देने वाला व्यक्ति कभी परेशान नहीं होता है। और ऐसे में खास करके जब ये समय होता है, ये पक्ष होता है जो पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या तक जाता है, ये समय तो बहुत ही आध्यात्मिक समय कहा जाता है, ये दान का समय कहा जाता है, ये जप का समय कहा जाता है, ये तप का समय कहा जाता है कि इस समय जितना ज्यादा आप जप तप दान करें उतना ही पितरों की आत्मा जो है वो तृप्त होती है। सूर्य निकलता है ना जब, तो ज्यादातर देखिएगा कौए उस समय ज्यादा आते हैं मुंडेर पर, संध्या के समय कम रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कभी इस चीज, क्योंकि सूर्य का भी पितर से संबंध रहता है, सूर्य की पूजा की जाती है। पितृ जब, जिन लोगों को ज्यादा पितृ दोष होता है उनको सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब सूर्य का भी पितृ से संबंध है, हम बहुत सारे वीडियो एक के बाद एक आप तक पहुंचाएंगे, तो इसीलिए अगर आपके घर की मुंडेर पर कौआ है तो उसे उड़ाने की जरूरत नहीं है, उनके खाने का प्रबंध कीजिए। जब एक तरफ उन्हें पितृ दूत कहा जाता है, दूसरी तरफ उन्हें भी अन्न और जल का प्रावधान आपका जरूर उनको करना चाहिए। वैसे भी बेजुबान पक्षियों को और जानवरों को कभी भी प्रताड़ित नहीं किया जाता है, क्योंकि जो लोग उन्हें सताते हैं वो खुद जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं। तो कौए का भी हमारे पितरों के साथ गहरा नाता है, वैकुंठ से आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ढेरों आशीर्वाद लीजिए, माध्यम कोई भी हो, बट आप ढेरों आशीर्वाद अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का जरूर लीजिए। मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और खास करके आपने मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।